वेलकम टू बॉटनी स्टडी टिप साइंस. टुडे टॉपिक जेमी वायरस. जेमी वायरस जो होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. करंट इसमें 485 स्पीशीज आती हैं और 9 जेनरा आते हैं. अगर हम बात करें जेमी वायरस की फैमिली की तो जेमी वायरल इसकी फैमिली है. अगर जेमी वायरस के सिम्टम की बात करें तो ब्राइट येलो मोजाइक, येलो मोटल, लीव कर्लिंग, स्टंटिंग ग्रोथ, स्ट्रिक, इन सब जगह पे हमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं. जेमी वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और इसका जो सर्कुलर जीनोम होगा. जेमी वायरस जो है लार्जेस्ट फैमिली है ये, इसमें सिंगल डीएनए वायरस देखने को मिलता है. ये बिना एनवेल्प के होगा. इसका कैप्सिड जो है इट इज़ ए नॉन एनवेल्प्ड एंड अबाउट अ 38. इसकी लेंथ कितनी होगी? 38 लेंथ होगी इसकी. अगर इसके डायमीटर की बात करें इस तरफ से तो 22 nm इसका डायमीटर होगा और ये जो है ट्विस्ट होंगे ऐसे करके. और स्ट्रक्चर की बात करें तो आइसोक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है. इसके 9 जेनरा का शेप जो है एक जैसा ही होता है आइसोक्टाहेड्रल. और ईच जेमिनेट पार्टिकल्स कंटेन ओनली अ वन सिंगल डीएनए ही कंटेन करती है. सर्कुलर डीएनए सिंगल स्टैंड ही, जितने भी 9 जेनरा है इसमें सिर्फ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ही कंटेन करेंगे. इसका ट्रांसमिशन जो है इंसेक्ट के थ्रू होता है. ट्रांसक्रिप्शन जो है बाइडायरेक्शनल होगा. इसमें हैव इंटीग्रेटेड और सीक्वेंस में होगा. ट्रांसमिशन की बात करें तो इंसेक्ट के थ्रू होगा, बटरफ्लाइज के थ्रू होता है, ग्रास होपर के थ्रू होता है या जितने भी अदर इंसेक्ट हैं उनके थ्रू हो सकता है. जेमी वायरस एक प्लांट वायरस है. ये प्लांट में होता है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने अंदर इंकोड करता है. उसके बाद हमें पता है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. उसके बाद करंटली हमने देखा था कि इसमें 485 स्पीशीज हैं और 9 जेनरा हैं इसमें, और 9 जेनरा को हम डिटेल में स्टडी करेंगे. आगे हमने देखा था इसके इनमें कौन सी फैमिली इंक्लूड है या कौन से ट्रांसमिशन कैसे होता है. तो येलो मोजाइक, ब्राइट येलो मोजाइक और येलो मॉल्ट लीव कर्लिंग, ये सारे जो हैं सिम्टम इनके फैमिलीज में इंक्लूड होते हैं. आगे अगर हम बात करें डीएनए जीनोम की तो ये जो है इनकोड करता है जीन बोथ डायरेक्शनल. ये भी हमने पढ़ लिया था. एनवायरन स्टैंडर्ड और रीजन ऑफ रेप्लिकेशन. जेमी वायरस जो है कैसे रेप्लिकेट करते हैं ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे. होस्ट सेल में कैसे रेप्लिकेट करते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन द वायरस जो है इसमें लार्जेस्ट फैमिली देखने को मिलती है, जिसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देखने को मिलता है और इसकी शेप जो है आइसोक्टाहेड्रल ऐसे करके होती है. आप ड्रॉ कर सकते हो जैसे आपको ईजी लगे. ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन होता है लीफ होपर के थ्रू, बटरफ्लाइज के थ्रू, ट्री होपर के थ्रू भी होता है. बटरफ्लाइज हो गई, ये सब हो गई. इसे जो है एंडेमिक जो जेमी वायरस डिजीज हैज़ बीन ड्यू टू द नंबर ऑफ डिजीज हैज़ बीन नंबर ऑफ फैक्ट्री एंड इंक्लूडिंग द रिकॉम्बिनेशन. जेमी वायरस इसका प्लांट एंड नोवल प्रोसेस कंट्रीब्यूशन फैक्ट्री इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल इंटू न्यू लोकेशन में भेज रहा है और जिसे एक्सपेंशन हो रहा है एग्रीकल्चर इंटू ग्रोइंग न्यू एरियाज और माइग्रेट करता है वेक्टर कैन स्प्रेड वायरस फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट. ये जो है वन प्लांट से अनदर प्लांट में ट्रांसमिट हो जाता है. अगर हम इसके डिटेल स्ट्रक्चर की बात करें तो जीनोम जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वो है सिंगल कंपोनेंट, वो बिटवीन 2500 से 3100 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है और ये देखने को मिलता है हमें बिंगमो वायरस में. और ये लार्जर साइज कंपोनेंट है जिसमें बिटवीन 2600 से 2800 न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलते हैं. लार्जर इसमें क्या देखने इन लार्ज जो है इसमें कैप्सिड देखने को मिलता है जेमिनेट और ये टू कंप्लीट इसमें थी वन आइसोहेड्रल जॉइंटेड देखने को मिलते हैं. जेनरा फर्स्ट इज बी क्यूटो वायरस, सेकेंड इज बिंगो मो वायरस, इज कैपुला वायरस, कर्टो वायरस, इग्रो वायरस, गर्वा ब्लो वायरस, गर्ब्लो वायरस, इज मैस्ट्री वायरस, टोबो क्यू वायरस, टर्नो क्यू रुटो वायरस. अगर बात करें हम इसके स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें जो है आइकोहेड्रल है, ट्विस्टेड होगा ऐसे करके. इसमें जीनोम होगा, जीनोम सबका एक जैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा. अगर बात करें हम इनके सिमेट्री की तो T1 इसकी सिमेट्री रहेगी हर पूरे 9 जो जनरा है इनकी. अगर बात करें कैप्सिड तो सब में कैप्सिड जो है नॉन एनवेल्प होगा, इसमें बिना एनवेल्प के जीनोम होगा और जो जीनोम जो है सर्कुलर होगा बिना कवरिंग के होगा. अगर हम इनके सेगमेंट की बात करें तो जो है सिर्फ एक चीज़ का सेगमेंट अलग होगा और सभी के मोनो पैराटिक होंगे जीनोम और वो है बिंगमो वायरस का जीनोम जो है सेगमेंटेड होता है और सभी के 9 के 8 जनरा के जो है सिमिलर होते हैं. जो जेमिनी वायरस हैं वो इनकोड करते हैं फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन इनकोड करते हैं और डिपेंड करता है कि होस्ट की फैक्ट्री कैसी है रेप्लिकेशन करने के लिए, और ये डिपेंड करता है होस्ट सेल पे और होस्ट सेल की मशीनरी पे अटैक करेगा, उससे न्यूट्रिशन लेगा और वहाँ पे सर्वाइव करेगा. अब है पॉलीमरेज़. पॉलीमरेज़ का क्या काम होता है? रिपेयर करना किसको? पॉलीमरेज़ को.
ऑर्डर ऑफ द एम्फिड एंड देयर जीनोम इज एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन के लिए, किसके लिए, जीनोम को ट्रांसक्रिप्शन के लिए फैक्ट्रीज के लिए रिपेयर करना पॉलीमरेज का काम है। जीनोम रेप्लिकेशन इज बाय और रोलिंग सर्कुलेशन, कैसे होगी रोलिंग सर्कुलेशन से ऐसे रेप्लिकेशन होगी, और उसके बाद क्या है बैक्टीरियोफेज M13 में भी या प्लाज्मिड, ये क्या है प्लाज्मिड है, और रेप्लिकेशन विद इन द न्यूक्लियस, रेप्लिकेशन कहाँ होगी न्यूक्लियस के अंदर होगी रेप्लिकेशन प्रोसेस, कहाँ पे जहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है प्लांट सेल में। द फर्स्ट सिंगल स्टैंड DNA इज कन्वर्ट इन टू, फिर रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, सिंगल स्टैंड जो है हमारा DNA का वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड DNA में, ये कैसे पॉसिबल हुआ रेप्लिकेशन प्रोसेस से। उसके बाद क्या हुआ, पहले भी इसका जीनोम कैसा था सर्कुलर था, और अब भी जल्दी जल्दी से क्या बन रहा है सर्कुलर ही बन रहा है। आगे है स्टेप इन्वॉल्विंग में DNA जो है रिपेयर टू एंजाइम एंड कम्प्लीमेंट्री नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड बनेगा, नेगेटिव सेंस स्ट्रैंड बनेगा, और फिर उसमें जो है वायरल जीनोम जो है प्लस सेंस DNA का टेम्पलेट बनेगा, और उसके बाद जो नेगेटिव और प्लस टेम्पलेट बन गए हमारे पास, और जो है रोलिंग फेज बनेगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बना रोलिंग फेज, और एक स्पेसिफिक साइट बन गई और ओरिजिन हो गया रेप्लिकेशन का। उसके बाद क्या है वायरल जो प्रोटीन्स हैं इनिटिएट करेंगे फटाफट रेप्लिकेशन, एंड प्रोसेस ऑफ न्यू कैरियोटिक न्यूक्लियस जो है वो डबल स्टैंडर्ड कि रेप्लिकेट होते हैं इंटरमीडिएट जीनोम में, और जो डबल स्टैंडर्ड यूनिट है आइसोलेट करते हैं प्लांट सेल, इन्फेक्टेड प्लांट सेल को आइसोलेट कर देंगे, और न्यू स्टैंड DNA जो है वायरल जीनोम का प्लस सेंस में हमें देखने को मिलता है, और वो कोडेड होता है प्रोटीन और इंटरमीडिएट DNA के रेप्लिकेटेड DNA जो अभी अभी नया बना है। जीनोम पैक्ड विद CA जीन, और ये जो जीनोम होता है पैक्ड होता है CA जीन के साथ, और जो जो हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड DNA है, और सिंगल स्टैंडर्ड DNA पैक्ड होता है जर्मिनेट पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस के साथ, ये जो है ये पार्टिकल DNA पार्टिकल जर्मिनेट जो है न्यूक्लियस के साथ देखने को मिलता है, और नॉट क्लियर इन द पार्टिकल्स एंड लीव इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसमिशन सराउंडिंग विद द वीरोन्स, और सिंगल स्टैंडर्ड जो RNA है प्रोटीन कोड की वो मूवमेंट फॉर द जीनोम इन स्ट्रिक्टली वाइज इन प्लाज्मोडेस्माटा। अब हम देखेंगे इनकी होस्ट डिटेल और इनकी ट्रांसमिशन कैसा और किसके थ्रू हो रहा है। सबसे पहले हम विकर्टो वायरस देखेंगे, इसमें स्पिंच में हो रहा है, और इन सबके जो 9 जनरा हैं उनकी रिलीजिंग डेट सभी की एक जैसे होंगी, बर्ड 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 बर्डिंग, और साइट जो है न्यूक्लियस ही है सबका 9 जनरा का, और जो है असेंबली भी सबकी न्यूक्लियस ही है। ट्रांसमिशन की बात करें हम तो यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है